Hello students, welcome to English Online. Let's have another lesson of class 10th, The Making of a Scientist, from the book Footprints Without Feet. तो ये जो लेसन है एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है रिचर्ड एब्राइट. रिचर्ड एब्राइट ने रिसीव किया एक सरल स्कॉलर अवार्ड और एक चेयरिंग फ्लो अवार्ड. किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए. ये उनका अट्रैक्शन था, ये उनका एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन था बटरफ्लाइज की तरफ, तितलियों की तरफ, जिसने एक विज्ञान के संसार को उनके लिए खोल दिया, एक साइंटिफिक वर्ल्ड को उनके लिए खोल दिया. हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? एक बुक रिचर्ड की लाइफ में कैसे एक बहुत बड़ा मोड़ ले आई, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? और उनकी मदर ने उनकी कैसे हेल्प की एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने में, ये भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन है, इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिनसे वो साइंटिस्ट बन सकता है. लेट्स रीड द लेसन नाउ. एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. 22 साल की एज में जो कॉलेज का फॉर्मर स्काउट था, मतलब एब्राइट, उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, एक नई थ्योरी उनके सामने लाकर. और उस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि कैसे सेल्स काम करते हैं, कैसे हमारी कोशिकाएं काम करती हैं. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. जो रिचर्ड एच एब्राइट थे और उनका एक कॉलेज का रूममेट, उन दोनों ने एक्सप्लेन किया एक ऐसी थ्योरी को, एक आर्टिकल में उन्होंने एक्सप्लेन किया. और कहां पर किया? प्रोसीडिंग में, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की उस प्रोसीडिंग में उन्होंने बताया कि कैसे जो कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. तो हम जर्नल किसे बोलते हैं? जर्नल हम बोलते हैं किसी भी मैगजीन को या न्यूज़पेपर को जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हो. तो ये जर्नल साइंस के बारे में ही होगी. तो ये फर्स्ट टाइम था जब किसी साइंटिफिक जर्नल ने, जो एक वैज्ञानिक मैगजीन या न्यूज़पेपर थी, उसने पहली बार पब्लिश किया था काम कॉलेज के स्टूडेंट का. कॉलेज के स्टूडेंट ने जो डिस्कवरी की थी, इस साइंटिफिक जर्नल ने उसके अंदर प्रिंट की थी. ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. अगर इसको स्पोर्ट्स के नजरिए से देखा जाए तो ये ऐसे होगा जैसे 15 साल की एज में कोई बिग लीग्स बना लेता है. बिग लीग्स क्या होते हैं? जो ग्रुप्स होते हैं स्पोर्ट्स क्लब के, जो आपस में कम्पीट करते हैं प्राइज को जीतने के लिए. और कोई 15 साल की एज में बिग लीग्स बना ले और उसके बाद होम रन को भी हिट कर ले पहली बार बैट के साथ. होम रन क्या होता है? ये जो बेसबॉल में होते हैं, बेसबॉल में जो खिलाड़ी होता है वो बॉल को इतनी तेज हिट करता है, इतना जोर से हिट करता है कि बॉल लॉन्ग वे जाती है, बहुत दूर जाती है. और जितनी देर में वो बॉल वापस आती है उससे पहले पहले वो सारे अपने बेसिस को कवर कर लेता है खिलाड़ी और एक रन को बना लेता है. और ये बहुत ही बड़ा हिट माना जाता है. तो वो खिलाड़ी जो पहली बार खेल रहा हो, बैट के साथ उसने हिट किया हो और होम रन को हिट कर दिया हो, उसी तरीके से साइंटिफिक वर्ल्ड में ये कमाल एब्राइट ने कर दिखाया था. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन द साइंस एंड अदर फील्ड्स. रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहली अचीवमेंट थी. उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की साइंस में और अदर फील्ड्स में, लेकिन उनकी पहली अचीवमेंट क्या थी? यही जो उन्होंने ये बताया कि सेल कैसे काम करते हैं, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सब शुरू कैसे हुआ? बटरफ्लाइज के साथ शुरू हुआ. एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया. जो एब्राइट थे वो इकलौते चाइल्ड थे. और कहां पर वो ग्रो अप हुए, बड़े हुए? रीडिंग में, जो एक शहर है पेंसिल्वानिया में. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. एब्राइट ने कहा कि वहां पर रीडिंग में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. और ये पक्का था कि मैं नहीं खेल सकता था.
ना फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल खेल सकता था एक पर्सन की टीम के साथ, क्योंकि मैं वहां पे अकेला ही था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था, चीजों को इकट्ठा कर सकता था। कई लोगों की हॉबी होती है कि वो कई चीजों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, रॉक्स को इकट्ठा करते हैं, ऐसे कई चीजों को इकट्ठा करने की उनकी हॉबी होती है। तो अब राइट कहते हैं कि मैं भी चीजों को कलेक्ट कर सकता था। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और ऐसा उन्होंने किया और हमेशा किया, अपनी थ्रू आउट द लाइफ वो ऐसा करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मॉक्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। जब वो किंडरगार्टन में थे, मतलब उनकी एज 3 to 5 ईयर होगी, जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है किंडरगार्टन, जब वो वहां पे थे तो एब्राइट क्या किया करते थे, बटरफ्लाइज को, तितलियों को इकट्ठा किया करते थे, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पक्के इरादे के साथ, पूरे संकल्प के साथ, जैसे वो बाकी के काम किया करते थे, बाकी की एक्टिविटीज किया करते थे, वैसे ही वो बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स। वो किसको इकट्ठा करते थे, रॉक्स को इकट्ठा करते थे, पत्थर मतलब जो रॉक्स होते हैं पुराने, फॉसिल्स को इकट्ठा करते थे। फॉसिल क्या होते हैं, वो किसी एनिमल के या प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम के, जो रॉक्स के अंदर मिलते हैं, और कॉइन्स, और वो कॉइन्स को भी इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो क्या बन गए, एक जिज्ञासु, जिनके अंदर एक जिज्ञासा थी जानने वाली, ऐसे एस्ट्रोनोमर भी बने। कभी कभार तो वो पूरी पूरी रात स्टार गेजिंग करते थे, तारों को देखा करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्रियोसिटी अलोंग विद ए ब्राइट माइंड। शुरुआत से ही उनके अंदर क्या थी, क्रियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, जो उन्हें ड्राइव करती थी, जो उन्हें आगे बढ़ाती थी, और उनके पास क्या था, साथ में ब्राइट माइंड भी था, इंटेलिजेंट माइंड भी था। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी जो माँ थी वो भी उत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी, उन्हें इंस्पायर करती थी उनके इंटरेस्ट को सीखने में, लर्निंग में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। जो उनकी मदर थी वो उनको ट्रिप्स पे लेकर जाया करती थी, और उनको टेलीस्कोप खरीद कर दिया करती थी, माइक्रोस्कोप्स खरीद कर दिया करती थी, कैमरास खरीद कर दिया करती थी, और माउंटिंग मटेरियल भी खरीद कर दिया करती थी, जिन चीजों पर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कैमरास को फिट किया जाता था, और बाकी के इक्विपमेंट्स भी लेकर दिया करती थी, जो कई तरीकों से उनकी हेल्प करते थे। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी मदर ने कहा था कि मैं उनकी अकेली कंपेनियन थी, अकेली साथी थी, जब तक एब्राइट ने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया। After that, I would bring home friends for him. और स्कूल के बाद मैं उसके दोस्तों को घर लेकर आया करती थी। But at night, we just did things together. लेकिन रात को हम कई काम इकट्ठा किया करते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. Richie, यहाँ पे Richard के लिए यूज किया गया है, तो उनकी मदर कहती हैं कि जो Richie मेरी पूरी जिंदगी था, whole life था, जब उसके फादर की डेथ हो गई, जब Richie किस में था, सिर्फ थर्ड ग्रेड में था, थर्ड क्लास में था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. उनकी मदर और जो Richie था वो बिताते थे हर शाम को डाइनिंग रूम के टेबल पर। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अगर रिचर्ड के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेती थी। उनकी माँ कहती हैं, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। उनके लिए कोई फिजिकल वर्क नहीं ढूंढती थी, कोई भी शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी, बट लर्निंग थिंग्स, कोई ऐसी चीज जिससे वो कुछ सीख सके। ये बात उनकी मदर ने कही। ही लाइक्ड इट, He wanted to learn. जो रिचर्ड था वो इसको पसंद करता था, सीखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। And learn he did. और वो सीखता था। He earned top grades in school. स्कूल में उनका टॉप ग्रेड आया। On everyday things he was just like every other kid, his mother said. बाकी दिनों में वो बाकी बच्चों की तरह ही होता था, बाकी किड्स की तरह ही होता था, उनकी मदर बताती हैं। By the time he was in second grade, a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब a bright अभी second grade में था, तो a bright ने collect कर ली थी 25 species
जो उनके होम टाउन के आसपास पाई जाती हैं, उनकी लिस्ट ये नीचे दे रखी है। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. Abright क्या कहते हैं कि शायद एंड हो गया होता मेरे बटरफ्लाई के कलेक्शन का, मैंने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना बंद कर दिया होता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? But then my mother bought me a children's book called The Travels of Monarch X. लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने मुझे एक बुक ला कर दी, बच्चों की बुक, Travels of Monarch X. मोनार्क क्या होती है? एक तरीके की बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई की एक स्पीशीज होती है। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. वो बुक जिसमें ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करके आती हैं, इस बुक ने एक विज्ञान का, एक साइंस का संसार खोल दिया उस जिज्ञासु, उस ईगर यंग कलेक्टर के लिए, मतलब एब्राइट के लिए एक विज्ञान का संसार खुल गया। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। उस बुक के एंड में जो रीडर्स थे, जो पढ़ने वाले थे, उनको इनवाइट किया गया था कि वो हेल्प कर सकते हैं बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करने में, वो हेल्प कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। रीडर्स को ये कहा गया कि वो बटरफ्लाईज को टैग करें। टैग करना क्या होता है कि बटरफ्लाई को पकड़कर उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं और उसके ऊपर डेट वगैरह लिख देते हैं कि हमें ये किस डेट को बटरफ्लाई मिली, और फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बार जब वो बटरफ्लाई किसी को मिलती है तो पता लग जाता है कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया और किस डेट से किस डेट तक किया। रीडर्स को ये कहा गया था कि उस बटरफ्लाईज को टैग करें अगर तुम्हें कोई मिले, क्योंकि ये कैसे रिसर्च कौन कर रहा है? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खाट रिसर्च कर रहे हैं, जो कहाँ के हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के, जो कनाडा में है। ये बुक में लिखा हुआ था। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्खाट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। जो एब्राइट की मदर थी उसने लिखा, लेटर लिखा उर्खाट को, और जल्दी एब्राइट क्या करने लग गया? अटैच करने लग गया वो टैग, वो चिपकने वाले टैग, एडहेसिव टैग वो लगाने लग गया पंखों के ऊपर मोनार्क के। मोनार्क की बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाईज को वो पकड़ता था और उनके पंखों के ऊपर टैग लगा देता था। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्खाट। कोई भी जिसको वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती थी उसे कहा जाता था कि वो भेज दे वो टैग। किसको भेज दे? डॉक्टर उर्खाट को भेज दे, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो बटरफ्लाई का कलेक्ट करने का सीजन होता है, उनको इकट्ठा करने का सीजन है, वो रीडिंग सिटी में, रीडिंग शहर में कब तक चलता है? 6 हफ्ते चलता है लेट समर में। लास्ट के जो 6 हफ्ते होते हैं गर्मियों में, तभी वो चलता है। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर तुम एक एक के पीछे भागोगे, बटरफ्लाई के पीछे, मोनार्क के पीछे, तुम ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज। और जो अगला स्टेप था वो एब्राइट के लिए क्या था कि वो रेज करे, बड़ा करे, अपने सामने ही पाले इसके ग्रुप को, बटरफ्लाईज के ग्रुप को अपने सामने ही पाले, रेज करे, बड़ा करे। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. एब्राइट क्या करते थे? वो पकड़ते थे एक फीमेल मोनार्क को, उसके अंडे को लेते थे, उसे अपने सामने रेज करते थे, बड़ा करते थे अपनी बेसमेंट में, उनकी पूरी लाइफ साइकिल को देखते थे, एग से कैसे कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से कैसे प्यूपा बनता है, और फिर अडल्ट बटरफ्लाई कैसे बनती है। जब वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। तब वो टैग करते थे बटरफ्लाईज के विंग्स को, उनके ऊपर स्टिकर लगाते थे और उन्हें छोड़ देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू द थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उनके घर की जो बेसमेंट थी वो हजारों मोनार्क का घर रही, अपनी अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट की, कोई कैटरपिलर के स्टेज में, कोई प्यूपा के स्टेज में, कोई एग के स्टेज में रहे। इवेंचुअली
आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. तो वो कहते हैं इवेंचुअली फाइनली क्या हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट था वो खत्म होना शुरू हो गया, बटरफ्लाइज को टैग करने में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. ये एक टीडियस वर्क था, एक थकाने वाला काम था और कोई फीडबैक इसकी ज्यादा मिलती नहीं थी, कोई इसके रिजल्ट भी ज्यादा मिलते नहीं थे, एब्राइट सेड. एब्राइट ने यह बात कही. इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. वो कहते हैं पूरे टाइम में, मेरे पूरे टाइम में जब से मैं बटरफ्लाइज को टैग कर रहा था, वो हंसने भी लग गए ये बात कहकर, सिर्फ दो बटरफ्लाई जो मैंने टैग की थी उनको दोबारा रिकैप्चर किया गया, पकड़ा गया, और वो भी 75 माइल से ज्यादा दूर नहीं पकड़ी गई, इतनी ही दूर पकड़ी गई जहां पर मैं रहता था, उससे सिर्फ 75 माइल्स दूर ही वो बटरफ्लाइज पकड़ी गई. देन इन 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. काउंटी हम किसे बोलते हैं, किसी एक रीजन को, किसी एक क्षेत्र को बोलते हैं. तो जब एब्राइट 7th ग्रेड में थे तो उनको एक हिंट मिला कि असली साइंस होती क्या है, रियल साइंस होती क्या है, जब उन्होंने एंटर किया एक काउंटी साइंस फेयर में और वो लॉस कर गए, वहां पे हार गए, मतलब उन्हें कोई इनाम नहीं मिला. इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट टू गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. ये बहुत ही सैड फीलिंग थी, बहुत उदासी वाली फीलिंग थी कि कुछ प्राइज को प्राप्त ना करना जबकि हर किसी ने कोई ना कोई प्राइज जीता हो, कुछ ना कुछ जीता हो. एब्राइट ने ये बात कही. His entry was slides of crop tissues which he showed under a microscope. जो एब्राइट की एंट्री थी उसने क्या दिखाया था, उसने क्रॉप के टिश्यूज को दिखाया था, उसकी स्लाइड्स को दिखाया था माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप से जिनको देखा जा सकता था क्रॉप के टिश्यूज को. He realized the winner had tried to do real experiment, not simply make a neat display. जो एब्राइट था उसने एक बात रियलाइज की, एक बात महसूस की कि जितने भी विनर्स थे उन्होंने क्या कोशिश की थी, कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी. उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि किसी चीज का नीट डिस्प्ले कर दें, किसी चीज को साफ सुथरे ढंग से दिखा दें, ऐसा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपेयरिंग. जो एब्राइट में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, वो जो मुकाबला करने की भावना थी जो उसे ड्राइव करती थी, आगे बढ़ाती थी, चलाती थी, वो जो स्पिरिट थी, वो जो भावना थी, वो अब नजर आने लग गई थी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि जो नेक्स्ट ईयर का फेयर लगेगा, साइंस फेयर, उसमें मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. वो सब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे जानकारी थी, जिसके साथ मैं फेमिलियर था, वो क्या था, इंसेक्ट वर्क. मैं इंसेक्ट्स के साथ काम कर रहा था, काफी सालों से पिछले मैं ये काम कर रहा था. सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट. इसलिए एब्राइट ने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा आइडियाज के लिए कि उसे कुछ आइडियाज चाहिए थे, और वापस क्या आया, स्टैक ऑफ सजेशन, बहुत सारी, ढेर सारी सजेशंस आई एक्सपेरिमेंट के लिए. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. वो जो एंगेजमेंट्स थी उसमें जो एब्राइट था वो बिजी रहा हाई स्कूल में, और वो चीजें उसे किस तरफ ले गई कि उसे प्राइज मिलने शुरू हुए काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट Abright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपने 8th grade के project में जो Abright था उसने कोशिश की कारण ढूंढने की एक viral disease का, वो viral disease जो मार देती है लगभग सारे monarch के caterpillars को हर कुछ सालों बाद. Abright thought the disease might be carried by a beetle. एब्राइट ने सोचा कि ये बीमारी कौन लाता होगा, कौन कैरी करके लाता होगा, बीटल, बीटल जो एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल.
उसने कोशिश की कैटरपिलर्स को रेज करने की, बड़ा करने की, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, बीटल्स की, जो इंसेक्ट होते हैं बीटल, उसके सामने उसने कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू किया। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, और एब्राइट ने कहा कि मुझे कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन्ट। लेकिन मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया कि मैंने कोशिश की है एक एक्सपेरिमेंट करने की, और इस बार मुझे जीत हासिल हुई। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। नेक्स्ट ईयर उसका जो साइंस के फेयर का प्रोजेक्ट था वो ये था, टेस्ट करना एक थ्योरी को कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, वॉइसरॉय एक स्पीशीज होती है बटरफ्लाई की, जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो कॉपी करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज की वो नकल करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वो थ्योरी जिसको एब्राइट ने टेस्ट करना था वो ये थी कि जो वॉइसरॉयज बटरफ्लाइज होती हैं वो बिल्कुल दिखाई देती हैं मोनार्क्स बटरफ्लाइज की तरह, क्योंकि जो मोनार्क्स होती हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता बर्ड्स को। वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वॉइसरॉयज बटरफ्लाइज होती हैं वो बर्ड्स को टेस्ट में अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए जितना ज्यादा जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई दिखाई देंगी मोनार्क की तरह, उतने ही कम चांस होंगे कि वो बर्ड्स का डिनर बनेंगी, मतलब उनको बर्ड्स नहीं खाएंगी, वो उनको मोनार्क समझेंगी और मोनार्क का टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफेक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था ये देखना कि वाकई में असलियत में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाती हैं या नहीं खाती। He found that a starling would not eat ordinary bird food. और उसने ये पाया जो starling bird होती है ordinary bird food को नहीं खाती। It would eat all the monarch it could get. वो खा लेती है सारी monarch को जितनी उसे मिलती हैं। Abright said later research by other people showed that viceroy probably do copy the monarch. Abright ने ये भी कहा कि बाकी कुछ लोगों ने बाद में रिसर्च की और उन्होंने दिखाया कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो शायद कॉपी करती हैं मोनार्क की। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का, उसको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड प्लेस मिला पूरे काउंटी साइंस फेयर में। In his second year in high school, Richard Abright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अपने high school के second year में Richard Abright ने एक research शुरू की जो उसको ले गई एक ऐसी discovery की तरफ, एक ऐसी खोज की तरफ, और किसकी खोज हुई? एक unknown insect hormone की, एक hormone की खोज हुई। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और indirectly ये जो खोज थी उसे किस तरफ ले गई? उसकी नई थ्योरी की तरफ, और वो नई थ्योरी क्या थी? लाइफ ऑफ सेल्स, सेल्स की लाइफ के बारे में। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। वो क्वेश्चन जिसकी एब्राइट ने आंसर देने की कोशिश की वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, 12 जो छोटे छोटे गोल्डन कलर के निशान होते हैं, स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा पर, उसका मकसद क्या होता है? एवरीवन अज्यूम्ड दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि हर कोई यही अज्यूम करता था, हर कोई यही मानता था कि वो जो स्पॉट्स होते हैं वो सिर्फ ornamental होते हैं, ornamental मतलब decoration के लिए होते हैं, but Dr. Urquhart didn't believe it. लेकिन जो Dr. Urquhart थे वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। To find the answer, Abright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए Abright और एक और excellent science student, जो एक इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट था, उनको बिल्ड करना पड़ा, बनाना पड़ा एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीन जो ये दिखाती थी
कि वो जो स्पोर्ट्स हैं, वो जो गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, गोल्डन कलर के स्पोर्ट्स हैं मोनार्क के प्यूपा पर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन, और वो जो हार्मोन है वो बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ये जो प्रोजेक्ट था उससे एब्राइट ने जीता पहला स्थान काउंटी फेयर में और उसको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिल गई। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी और वहां पर उसने तीसरा स्थान जीता जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहां पर उसको ये भी चांस मिला कि वो काम कर सकता था गर्मियों के दौरान एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में। एंटोमोलॉजी क्या होता है, जो इंसेक्ट से रिलेटेड साइंस होती है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर सकता था वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल जूनियर के रूप में जो रिचर्ड थे वो लगातार काम करते रहे अपनी एडवांस एक्सपेरिमेंट्स पर, और वो एक्सपेरिमेंट किस पर हो रहे थे, मोनार्क के प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। उस ईयर में, उस साल में उसके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उसे एक और चांस मिल गया काम करने का आर्मी की लेबोरेटरी में गर्मियों के दौरान। इन ए सीनियर ईयर ही वेंट स्टेप फर्दर, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। तो अपने सीनियर ईयर में वो एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने सेल को ग्रो किया अपने सामने, वो सेल्स जो मोनार्क के विंग से लिए गए थे, एक कल्चर में उसको ग्रो किया। कल्चर जो एक ऐसी लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर सेल्स को ग्रो किया जाता है, और उन्होंने दिखाया कि ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और डेवलप हो जाते हैं एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में, जो विंग के ऊपर स्केल्स होते हैं जो पपड़ियां से बनी होती हैं वो बन जाती हैं उस सेल से, अगर उनको फीड किया जाए उस हार्मोन से जो गोल्ड स्पोर्ट से निकलते हैं। मतलब वो जो हार्मोन होता है जो गोल्ड स्पोर्ट से निकलता है, जो 12 गोल्ड स्पोर्ट्स होते हैं उन्हीं से जो बटरफ्लाई के विंग के स्केल हैं वो डेवलप होते हैं। That project won first place for zoology at the international fair. वो जो project था उसमें उनको first place मिला zoology में international science fair में। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. तो एब्राइट ने अपनी गर्मियां बिताई ग्रेजुएशन के बाद काम करते हुए एक आर्मी के लेबोरेटरी में, और उस लेबोरेटरी में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की थी। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट समर में, नेक्स्ट गर्मियों में, अपने सेकेंड ईयर में, मतलब फ्रेशमैन के ईयर के बाद वाले ईयर सेकेंड ईयर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट वापस गए लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में, और ज्यादा काम किया हार्मोन के ऊपर, जो गोल्ड स्पोर्ट से हार्मोन निकलते हैं उस पर और ज्यादा काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर्स। उस लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड, जो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस इंस्ट्रूमेंट थे, उनका यूज करके वो पता लगा पाया, आइडेंटिफाई कर पाया, पहचान पाया हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचान पाया। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। डेढ़ साल बाद अपने जूनियर ईयर के एब्राइट को आइडिया मिला अपनी न्यू थ्योरी के लिए, और वो न्यू थ्योरी किसके बारे में थी, सेल की लाइफ के बारे में थी। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. ये आइडिया तब आया जब एब्राइट देख रहा था उन फोटोज को, X-rays की फोटोज को, जो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर्स की फोटो थी। When he saw those photos, Ebright didn't shout "Eureka!" or even "I have got it." जब एब्राइट ने उन फोटोज को देखा तो वो जोर से चिल्लाया नहीं "Eureka!" या फिर उसने ये नहीं कहा कि "I have got it," कि मैंने कोई चीज अचीव कर ली है।
but he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle. लेकिन उसका ये विश्वास था कि जो उसकी खोज हुई है इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में, उसके साथ साथ जो फोटोज थी उसे आंसर दे रही थी एक बायोलॉजी की पजल का, आंसर भी दे रही थी. और वो पजल क्या थी? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो सेल होते हैं वो कैसे रीड कर लेते हैं, वो कैसे पहचान लेते हैं ब्लूप्रिंट को. ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई फोटोग्राफिक प्लान बनाते हैं कि कोई चीज कैसे बिल्ड होगी या किसी चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, तो हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं. तो जो सेल होती हैं वो कैसे रीड कर लेती हैं, कैसे पहचान लेती हैं ब्लूप्रिंट को ऑफ इट्स डीएनए, अपने डीएनए के. और डीएनए क्या होता है? वो जो केमिकल्स होते हैं किसी सेल में, किसी एनिमल या प्लांट के, जो कंट्रोल करते हैं कि उस चीज का बिहेवियर बाद में कैसा रहेगा, उसमें कैसे करैक्टरिस्टिक होंगे, किसी प्लांट या एनिमल में कैसे करैक्टरिस्टिक होंगे, वो जो सेल्स होती हैं वो रीड कर लेती हैं. कैसे रीड कर लेती हैं? इस पजल का आंसर एब्राइट को मिल गया. डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. जो डीएनए होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है न्यूक्लियस में किसी भी सेल के, जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को. तो हेरिडिटी क्या होती है? कि जो पास होती हैं फिजिकल या फिर मेंटल करेक्टरिस्टिक पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. जो डीएनए होता है वही तय करता है कि कैसा फंक्शन होगा उस सेल का, वो सेल कैसे काम करेगी, ये डीएनए से ही पता चलता है. Thus, DNA is the blueprint for life. इस प्रकार जो DNA होता है वो blueprint होता है किसी भी life का. कोई life आगे चलकर कैसे होगी ये हमें DNA से ही पता चलता है. Albright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Albright और उसका एक college का roommate जिसका नाम James R. Wong था, उन्होंने पूरी रात काम किया. वो ड्रॉ करते रहे पिक्चर्स को और कंस्ट्रक्ट करते रहे, बनाते रहे प्लास्टिक मॉडल्स को मॉलिक्यूल्स के, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हो सकता है. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. बाद में इकट्ठे उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. इसमें किसी को भी हैरानी नहीं हुई जो उसे जानता था, जो एब्राइट को जानता था, कि एब्राइट ने ग्रेजुएट कर लिया हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ और वो सेकेंड आया अपनी क्लास में, और क्लास में 1510 स्टूडेंट्स थे, उसमें वो सेकेंड आया. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और बाद में जो एब्राइट था वो बन गया ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. वहां पर उसने शुरू कर दिए एक्सपेरिमेंट करने, अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. अगर ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट साबित होती है, सही निकलती है, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा समझने में प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, लाइफ के प्रोसेस को समझने में बहुत ही बड़ा कदम होगा. इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज. ये चीज हमें शायद ले जाए नए आइडियाज की तरफ और वो जो आइडियाज हैं वो प्रिवेंट कर पाए, वो रोक पाए कुछ टाइप के कैंसर को और दूसरी बीमारियों को भी रोक पाए. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सब कुछ संभव इसलिए हुआ क्योंकि एब्राइट में एक वैज्ञानिक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी, चीजों को जानने की इच्छा थी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी वो ये उद्देश्य जानना चाहते थे, पर्पज जानना चाहते थे उन स्पोर्ट्स का, उन गोल्ड स्पोर्ट्स का जो मोनार्क के प्यूपा पर होते हैं. फाइनली ले गए, इवेंचुअली उसको ले गए उसकी एक नई थ्योरी की तरफ जो सेल लाइफ के बारे में थी. रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. रिचर्ड एब्राइट
इंटरेस्टेड थे साइंस में तभी से जब से उन्होंने शुरू की थी कलेक्ट करना बटरफ्लाइज को, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन वो इतना भी डीपली उसमें नहीं गए थे कि उनके पास टाइम ना हो बाकी इंटरेस्ट के लिए. एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. जो एब्राइट थे वो एक चैंपियन डिबेटर भी बने, डिबेट करने वाले भी बने, पब्लिक स्पीकर भी बने और बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी बने. कैनोइस्ट क्या होती है, एक लाइट बोट होती है उसको भी चलाने वाले बने और ऑलराउंड वो आउटडोर पर्सन बन गए. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. और वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी बने और विशेषता किस में, नेचर में और जो साइंटिफिक एग्जीबिशन होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे वो फोटोग्राफर बने. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट. अपने हाई स्कूल में जो रिचर्ड एब्राइट थे वो ए स्टूडेंट थे, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स थे. बिकॉज लर्निंग वाज इजी ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब. क्योंकि जो लर्निंग था, स्टडी थी, उनके लिए ईजी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी किस तरफ लगाई, डिबेटिंग की तरफ और किस मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब को ज्वाइन करने में लगाई. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. उन्हें कोई ऐसा भी मिला जिसकी वो बहुत तारीफ करते थे. रिचर्ड ए वीरर हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. रिचर्ड अ वीरर जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे और एब्राइट के एडवाइजर भी थे दोनों क्लब में, दोनों क्लब मतलब डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में. मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. मिस्टर वेरर परफेक्ट इंसान थे मेरे लिए. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज एब्राइट सेड. एब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरे माइंड को खोल दिया नए आइडियाज की तरफ. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेरर सेड. मिस्टर वेरर ने कहा कि रिचर्ड हमेशा ही वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे अपने काम के लिए. What pleased me was here was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interest. जो मुझे सबसे ज्यादा चीज खुश करती थी वो ये थी कि एक वो ऐसा पर्सन था एब्राइट जो 3 या 4 घंटे रात को लगाता था अपनी डिबेट रिसर्च में और उसके अलावा वो क्या करता था, अपनी रिसर्च बटरफ्लाइज के साथ पिक करता था और दूसरे इंटरेस्ट को भी पूरा करता था. ये बात मिस्टर वेरर ने कही. रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव. रिचर्ड कॉम्पिटिटिव था, मुकाबला करने वाला था. मिस्टर वेरर कंटिन्यूड. मिस्टर वेरर ने आगे कहा, बट नॉट इन ए बैड सेंस. लेकिन वो मुकाबला कभी भी बुरी भावना से, बैड सेंस से नहीं करता था. ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर द विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज. उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि जो रिचर्ड था वो इंटरेस्टेड नहीं था जीतने में, सिर्फ जीतने की खातिर, और या वो जीतना चाहता था प्राइज लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. बल्कि वो जीत रहा था, इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो बेस्ट काम करना चाहता था जितना वो कर सकता था. फॉर द राइट रीजंस ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट. बिल्कुल सही रीजंस के लिए, सही कारणों के लिए रिचर्ड एब्राइट बेस्ट होना चाहता था. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. और यही एक इंग्रेडिएंट्स होता है, एक क्वालिटी होती है साइंटिस्ट बनने में. स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. तो उन्होंने कहा जो साइंटिस्ट किसी को अगर बनना हो तो शुरू करो फर्स्ट रेट माइंड के साथ. एक इंटेलिजेंट माइंड होना चाहिए, उसमें ऐड कर दो क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता, अपनी जिज्ञासा, किसी जानने की इच्छा को ऐड कर दो और उसमें मिक्स कर दो अपनी इच्छा को जीतने की, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों से जीतने की इच्छा को मिक्स कर दो. तो मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए जो 3 चीजें चाहिए होती हैं, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और विल टू विन, लेकिन सही रीजंस के लिए. एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. और एब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज थी. फ्रॉम द टाइम द बुक
The travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. उस टाइम से लेकर जिस टाइम से एक बुक जिसका नाम ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क था उसने खोल दिया था साइंस का संसार एब्राइट के लिए, तब से एब्राइट ने कभी नहीं खोया अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को, अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को उन्होंने कभी नहीं खोया, वो चीजों को जानने में हमेशा ही उत्सुक रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लेसन को ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो शुरू में ही हमें पता चलता है जब रिचर्ड एब्राइट किंडरगार्टन स्कूल में थे तो बहुत ही ज्यादा उन्हें शौक था बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने का। बटरफ्लाइज के साथ साथ वो रॉक्स, फॉसिल और कॉइन्स को भी इकट्ठा किया करते थे। उनके पास एक इंटेलिजेंट माइंड था और उनमें बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, चीजों को जानने की उत्सुकता थी। उनकी मदर भी उनके इस काम में हेल्प किया करती थी, उनके सीखने में। उनकी मदर ने उनको कई इक्विपमेंट्स खरीद कर दिए जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। जब एब्राइट थर्ड ग्रेड में पहुंचे तो उन्होंने 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज की कलेक्ट कर ली थी, लेकिन शायद एंड ही हो गया होता उनके बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का। उन्होंने देखा कि ये काम बहुत ही टीडियस है और बहुत ही थकाने वाला है, लेकिन तभी उनकी मदर ने उन्हें एक बुक दी। उस बुक का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो जब उन्होंने बुक पढ़ी तो उनके लिए जैसे एक साइंस का संसार ही खुल गया, क्योंकि बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि आप बटरफ्लाइज को पकड़ें और उनको टैग करें, क्योंकि उनके ऊपर एक रिसर्च हो रही है कि वो कैसे माइग्रेट करती हैं और वो रिसर्च कौन कर रहा है, डॉक्टर उर्कहार्ट कर रहे हैं जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के हैं। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि मैं एक एक बटरफ्लाई को कहां तक पकड़ता रहूंगा, तो उन्होंने बटरफ्लाइज के ग्रुप को अपने सामने रेज करना शुरू कर दिया अपने घर की बेसमेंट में। वो उनकी पूरी लाइफ साइकिल को देखते थे कि कैसे एक एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपा से कैसे अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। लेकिन इसमें भी उनका इंटरेस्ट जाना शुरू हो गया कुछ समय बाद, क्योंकि उनकी टैग की गई सिर्फ दो ही बटरफ्लाई पकड़ी गई, वो भी 75 माइल्स दूर उनके होम टाउन से। जब वो सेवंथ ग्रेड में गए तो उनको ये पता चला कि रियल साइंस होती क्या है। उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया लेकिन उनको कोई प्राइज नहीं मिला। वो बहुत उदास थे क्योंकि बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको प्राइज मिला था, क्योंकि उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे। जो एब्राइड थे उन्होंने सिर्फ एक टिश्यूज को दिखाया था फ्रॉक के, सिर्फ एक साफ सुथरा डिस्प्ले किया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखा सजेशन के लिए कि अगले साल मुझे कोई प्राइज मिल सके। तो काफी सारे उनको सजेशन मिले। तो नेक्स्ट जो उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो उन्होंने एक वायरल डिजीज होती है, उस वायरल डिजीज में काफी सारे जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं वो मर जाते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के। तो उन्होंने उसका कारण ढूंढने की कोशिश की। इससे उन्हें कोई रिजल्ट तो नहीं मिला लेकिन प्राइज मिल गया। अगला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये किया कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो कॉपी करती है मोनार्क की, और वो कॉपी क्यों करती है इस पर उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद कि जो बटरफ्लाई के प्यूपा पर जो 12 स्पोर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, इसका कारण ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। फिर उन्हें पता चला कि ये जो 12 स्पोर्स होते हैं ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो नेक्स्ट उन्होंने हार्मोन पे काम करना शुरू कर दिया। जब हार्मोन पे काम करना शुरू कर दिया तो वो उसको पहचान पाए, उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को हार्मोन के। एक एक्सरे फोटो को वो एक दिन देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर की हार्मोन के, तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी बायोलॉजी की पजल का आंसर मिल गया। और वो क्या था कि जो सेल है वो रीड कर सकते हैं ब्लूप्रिंट को डीएनए के, डीएनए के ब्लूप्रिंट को वो पढ़ सकते हैं। जो डीएनए होता है वो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। ये जो थ्योरी उनकी थी, अगर ये करेक्ट निकलती है तो कई सारे कैंसर का इलाज निकल सकता है और भी कई बीमारियों का इलाज निकल सकता है। तो लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, उसके अंदर क्या ऐड होगा, क्यूरियोसिटी, उस पर्सन में जिज्ञासा होनी चाहिए, और तीसरा उसके अंदर विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए जीतने की, लेकिन सही कारणों से जीतने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज रिचर्ड एब्राइट के अंदर थी। जब से उन्हें ये बुक मिली थी ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्ट, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को खोया नहीं था, अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को खोया नहीं था।
नहीं तो बचपन में जो हमें क्यूरियोसिटी होती है वो धीरे धीरे बड़े होकर खो जाती है, लेकिन उनकी ये क्यूरियोसिटी गई नहीं थी, तो इसलिए वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बन पाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।